क्या नाम है आपका? गोपाल दास प्रजापति। कहाँ रहते हैं आप? रानीपुर में। तो क्या दिक्कत है आपको? हमको दिक्कत था शुगर का, शुगर का था पहले नस को, शुगर का लेर वगैरह का प्रॉब्लम भी हो गया था, धीरे धीरे ठीक हुआ। और क्या था? बहुत सुस्ती था, चेहरे की लाइट गायब हो गई थी। भूख लगती थी मगर सुस्ती बहुत ज्यादा था, दिन भर खाली सोते थे। अच्छा, झंझनाहट था कहीं? बॉडी में झंझनाहट था? झंझनाहट तो आज भी इसमें हाथ में रहता है। अच्छा, नींद कैसे थी? नींद ठीक है, नींद तो खूब सोते हैं। चेहरा वाला कलर सही था? डार्क हो गया चेहरा वगैरह, थोड़ा काला हो गया था। कैसे ठीक हुआ, किस दवा से? उरेखा आयुर्वेदिक, एक तो फंकी लिए थे वही खाते रहे दोनों टाइम, वही से आराम हुआ, बाद में छोड़ दिया तो फिर उसी तरह हो गया। क्या क्या आराम मिला था? आराम मतलब चेहरे की लाइट सही हो गई थी, थोड़ा सा जो कमजोरी सुस्ती था वो कम हो गया था। इनकी भी बैलेंस आ गया बॉडी में? हाँ, बैलेंस, जब दवा खाते थे तो सही हो गया था, फिर दवा बंद कर दी तो उसी तरह हो गया। पाउडर खाने पर बैलेंस आ गया बॉडी में? हाँ हाँ। एक ही पाउडर? हाँ, एक ही पाउडर। एक ही पाउडर सब कुछ ठीक कर दिया? हाँ हाँ। नस में झंझनाहट, बॉडी बैलेंस, भूख का लगना, हाँ ना, मन अच्छा होना, रात में नींद आना, सब कुछ चेंज हो गया था? हाँ। वेरी गुड। तो बाल भी आप प्लीज खाते रहिए, नहीं तो फिर काले हो गए, देख रहे हैं वीडियो में आप। बहुत अच्छा शरीर हो गया था आपका। ठीक है, इसलिए आज का वीडियो कर रहे हैं, बिना वीडियो के दवा नहीं देंगे आपको। बिना वीडियो का किए दवा नहीं मिलेगा गोपाल भैया को, क्योंकि इन्होंने दवा खा के तारीफ नहीं किया। ठीक है, जब भी इनसे हमने पूछा तब तक कहे अभी उतना नहीं ठीक हो, ठीक हो बस, दिल से नहीं बोला, इसलिए आज इनका वीडियो किए हैं, अब इनको दवा मिलेगी। ठीक है, थैंक यू गोपाल भैया, बाय बाय, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।